दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सभी देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ से कहर की खबरें टीवी पर देख रहे हैं। लोगों के घर बार सब कुछ पानी में डूब गए हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का तो और भी बुरा हाल है। ऐसे हाल में चुनौतियों का मुकाबला कैसे किया जाए? मैं जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर, ग्राफोलॉजिस्ट हाजिर हूं आज इसी मुद्दे से जुड़ी एक सच्ची कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी है तुझको चलना होगा। मिश्रा जी अपने पूरे परिवार के साथ केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे। अचानक बादल फटने और पहाड़ों के टूटकर गिरने के कारण हर तरह से जिंदगी को बचाने के सभी रास्ते बंद होते जा रहे थे। किसी तरह से कुछ दिन बाद फौजी जवानों ने इनको वहां से निकालकर सुरक्षित घर तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे जब जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी तो मिश्रा जी अपनी कार लेने के लिए वापस उसी स्थान पर गए। वहां खड़े एक लड़के ने इन्हें बताया कि जिस होटल में आप रुके थे वो पूरी तरह से मलबे का ढेर बन चुका है, आपकी कार भी बाढ़ में बह गई थी। जब मिश्रा जी ने उसका परिचय पूछा तो उसने बताया, मैं उसी होटल के मालिक का बेटा हूं जहां आप रुके हुए थे। होटल में रुके सभी मेहमानों के साथ मेरे मां बाप भी परलोक सिधार गए हैं। थोड़ी देर उस लड़के से बातचीत करते हुए मिश्रा जी ने महसूस किया कि इस खतरनाक हादसे को देखकर इस बच्चे की हिम्मत और आत्मविश्वास बिल्कुल टूट चुका है। उन्होंने उसे हौसला देते हुए कहा कि जीवन के पथ में चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक बार फिर से हिम्मत और साहस के साथ सदा आगे चलने ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जब सब कुछ ठीक से चल रहा हो तो उस समय तक हम कुछ नया करने के बारे में सोचते भी नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब जी, मैंने जो विनाश और मौत का तांडव देखा है उसे तो सारी जिंदगी भूलना मुश्किल है। आप खुद ही देख लो कि अभी तक कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आसमानी आफत से कब रात मिलेगी कोई नहीं जानता। जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही ही तबाही दिखाई देती है। वैसे भी मेरे पास ना तो अब रहने के लिए घर और ना ही काम धंधा करने के लिए कोई जरिया बचा है। अभी तो रोटी भी इधर उधर से मांग कर खा रहा हूं। ऐसे हालात में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊंगा। जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि बेटा, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां लोग हाल चाल भी उसी का पूछते हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं। जो तुम्हारी तरह तकलीफ में होते हैं उनकी तरफ तो वो देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आज जहां हम खड़े हैं वहां से एक बार पीछे मुड़कर देखें तो यही समझ आता है कि ये सब कुछ इंसान के साथ पहली बार नहीं हुआ। जिंदगी की राह में संकट और रुकावटें तो हमेशा ही आती रहती हैं, परंतु समय और जीवन कभी भी रुकते नहीं, वो सदा ही चलते रहते हैं। ये सच है कि हमें जीने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। जिन लोगों में जिंदगी जीने की आस और उम्मीद होती है वो पूरे जोश और हौसले से हर संकट से खुद को उबारी लेते हैं। मिश्रा जी के अनमोल विचारों को सुनने के बाद जॉली अंकल ने अपने हाथ की घड़ी उतारकर उस लड़के को देते हुए कहा कि ये घड़ी भी हमें यही सिखाती है कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि घड़ी जब चलना बंद कर देती है तो लोग उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। इस घड़ी की चलती हुई सुइयां हमें यह समझाती हैं कि हम धीरे चलें या तेज, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर इंसान का सबसे पहला धर्म यही होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज जिस कुदरत ने तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, कल वही तुम्हारे लिए कई और नए रास्ते भी खोल देगी। बस तुम कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ना। पूरे जोश और उत्साह के साथ खुद से ये वादा करो कि तुझको चलना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती बस्ती और मस्ती
हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।